Good morning, student. This lecture is for class 9 and related to the math, and the chapter name is rational number. So, dekho, rational number hota kya hai? The number which is in the form of P upon Q is said to be the rational number, but Q doesn't equals to 0. ठीक है ना? जैसे कि मैंने ले लिया 5.2, ये भी एक क्या है? Rational number है. Suppose मैंने ले लिया 6, ये भी एक rational number है, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होता है ना? So, that's why we call it a rational number. ठीक है, जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं चलो वो देखते हैं. देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, है ना. दो रैशनल नंबर सपोज टू भी मैंने एक्स एंड वाई ले लिया, इसके बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे. देखो बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी रैशनल नंबर जैसे सपोज टू भी आपने ले लिया 4 एंड 5, ठीक है ना, तो इसके बीच का रैशनल नंबर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल. इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे वो तो एक रैशनल नंबर ही होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, जो भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है. अगर 4 एंड 5 के बीच की बात करें तो 4.1 है, 4.2 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है, जो कि ऑफकोर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है. तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना. तो इसके निकालने के, रैशनल नंबर निकालने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फॉर्मूला भी होता है, अपने भी थॉट से हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना. तो मान के चलते हैं एक्स और वाई एक दो नंबर है, रैशनल नंबर है, जिसके बीच में सपोज टू भी आपका दिया हुआ है कि n नंबर आपको रैशनल नंबर इसके बीच में निकालना है, ठीक है ना. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस दोनों को घटा दो, यानी कि y माइनस x अपॉन n प्लस 1, ये जो आएगा ना ये, फिर x में इसको ऐड करते जाना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इसके बीच का रैशनल नंबर निकलते जाएगा. सपोज टू भी ये आया आपका डिफरेंस d, सपोज टू भी, तो नेक्स्ट जो रैशनल नंबर हो जाएगा इस दोनों के बीच में x होगा, उसके बाद x प्लस डी हो जाएगा, फिर x प्लस 2d हो जाएगा, सिमिलरली बढ़ते बढ़ते फिर लास्ट में हो जाएगा. तो जितना नंबर आपको निकालना होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना. इसके अलावा चलो कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं. सपोज टू भी आपका दिया हुआ है कि 2 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं या फिर 2 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, वी नो दैट जो देखो x और y जो टर्म्स होते हैं हमारे वो क्या है, एक x जो कि छोटा हो छोटे नंबर को लेते हैं और y जो होता है वो बड़े नंबर को लेते हैं. तो इसमें देखो 1 अपॉन 3 है, ये 2 अपॉन 3 है, अल्टीमेटली आपको ये छोटा लग रहा है ना, ये बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस x अपॉन 2 रेशनल नंबर है ना, तो 2 प्लस 1 कर देंगे तो वो हो जाएगा 3. तो y माइनस x करेंगे तो कितना होगा, 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एंड देन 3 विच इज 1 अपॉन 3 एंड देन 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 9. तो अब 1 अपॉन 9 को क्या करेंगे, इसके बीच में जो x है हमारी यानी कि 1 अपॉन 3, एक तो ये हो गया इसके बीच का निकालना होगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 9. दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 9. तो इस बेस पे हम निकालते जाएंगे, 2 रेशनल नंबर निकल गया और आपका लास्ट में क्या था, 2 अपॉन 3 हम पुट कर देंगे, तो इस बेस पे हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना. और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं. अल्टीमेटली जैसे कि आपके पास अगर x और y दिया हुआ है, इसके बीच में 2 रेशनल नंबर को निकालने होते हैं, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, x प्लस y अपॉन 2 कर देंगे, तो इसके बीच का एक नंबर निकल गया. सपोज टू इसके बीच का एक नंबर z निकल गया, तो इस दोनों के बीच का फिर कैसे निकालेंगे, तो फिर अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस z अपॉन 2 कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा. और इस दोनों को अगर मैंने ऐड कर देना है तो फिर ये भी एक रेशनल नंबर निकल जाए ना. तो इसके बेस पे हम लोग कई सारे रेशनल नंबर इसके बीच के निकाल सकते हैं.